ऋषभ मांगेगा प्रीता से माफी और लेगा एक बड़ा फैसला, और शालिन से तोड़ देगा ऋषभ सारे रिश्ते और लेगा तलाक का फैसला, और कृतिका मारेगी पृथ्वी को शोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रीता शालिन पृथ्वी की सच्चाई ऋषभ के सामने लाने के लिए जब अपने कमरे में फोन लेने के लिए जाएगी और ऋषभ के सामने फोन लेकर आएगी और उसमें शालिन पृथ्वी के वीडियो का सबूत जब ऋषभ को दिखाएगी तब वो वीडियो प्रीता के फोन में कहीं नहीं मिलेगी और बड़े राज का खुलासा होगा कि वो वीडियो पृथ्वी ने प्रीता के कमरे में जाकर प्रीता ने पिलो के पीछे मोबाइल छुपाया था वहाँ से प्रीता के मोबाइल में से वीडियो पहले ही पृथ्वी ने डिलीट कर दी होगी, जिस वजह से मोबाइल में शालिन पृथ्वी के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से शालिन पृथ्वी दोनों मिलकर प्रीता पर झूठे इल्जाम लगाएंगे और शालिन प्रीता को गुस्से से कहेगी कि तुम मुझे बदनाम क्यों कर रही हो और कहेगी कि मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, इसी वजह से तुम प्रीता मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था, और पृथ्वी भी कहेगा कि आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हो, जिस वजह से प्रीता बड़ा खुलासा करती हुई कहेगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसे सुनकर शालिन कहेगी कि रात को देखे हुए सपने को सपने में ही रहने दो, और प्रीता गुस्से से शालिन को कहेगी कि रात को पता है ना क्या हुआ था, मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, और प्रीता ऋषभ को कहेगी कि मैंने इन दोनों को रात को पकड़ लिया था और इन दोनों की सच्चाई सबके सामने लाने ही वाली थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांगी और ये पृथ्वी तो नीचे जमीन पर आ गिरा था और ये गलती दोबारा से ये दोनों ना करे इसीलिए मैंने भगवान जी के सामने अखंड अग्नि ज्योत पर इन दोनों को कसम खाने के लिए भी कहा, लेकिन ये दोनों इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि इन दोनों के लिए कोई कसम भी मायने नहीं रखती, और सुबह मैंने दोनों को रंगे हाथों फिर से पकड़ा जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। यह सब सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और पृथ्वी कहेगा कि बस प्रीता जी बस, मैं कुछ बोल नहीं रहा इसीलिए आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती ही जा रही है। तब ऋषभ गुस्से से पृथ्वी को कहेगा कि बस बहुत हुआ तुम लोगों का, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, और क्या सच है और क्या गलत है यह मुझे कुछ नहीं सुनना। तब प्रीता ऋषभ को समझाने के लिए जाएगी लेकिन ऋषभ प्रीता के सामने हाथ जोड़कर गुस्से से चिल्लाकर कहेगा कि बस प्रीता जी, और तब प्रीता कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चली जाएगी, लेकिन ऋषभ के सामने सबूत के साथ शालिन की असली सच्चाई तब आएगी जब शालिन की एक गलती की वजह से जब आने वाले एपिसोड में ऋषभ किसी काम से कृतिका के कमरे में जाएगा तभी बेड पर पृथ्वी के जेब में से ऋषभ को शालिन की इयररिंग्स मिलेगी, जिससे ऋषभ को काफी बड़ा शॉक लगेगा और ऋषभ को एहसास होगा कि प्रीता जी सही कह रही थी, इसीलिए ऋषभ शालिन की वो इयररिंग्स लेकर सीधे शालिन के पास जाएगा और शालिन को इयररिंग्स दिखाकर कहेगा कि तुम्हें पता है कि ये इयररिंग्स मुझे कहाँ मिली है। तब शालिन को ये सवाल सुनकर शॉक लगेगा लेकिन शालिन बिना हिचकिचाती हुई ऋषभ को कहेगी कि किचन में मिला होगा, तब ऋषभ गुस्से से कहेगा कि पृथ्वी की जेब में, यह सुनकर शालिन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषभ कहेगा कि आई एम डन विथ यू, हमारा रिश्ता यहीं तक था, यह सब ऋषभ शालिन को कहकर चला जाएगा और शालिन ऋषभ को कुछ बोल नहीं पाएगी एंड ऋषभ प्रीता से माफी मांगेगा, लेकिन उल्टा प्रीता ऋषभ को कहेगी कि आई एम सॉरी, मैंने उन दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो दोनों सुधरे ही नहीं और मैंने दोनों की सच्चाई आपके सामने लाकर आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। तब ऋषभ इमोशनली कहेगा कि कभी कभी दिल टूट जाना ही अच्छा होता है, ये सुनकर प्रीता को मन ही मन काफी ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन ऋषभ आगे शालिन को तलाक देने का फैसला लेगा और जब कृतिका को शालिन पृथ्वी के अफेयर के बारे में पता चलेगा तब कृतिका मार देगी पृथ्वी को शोर से तमाचा, और ऋषभ शालिन का तलाक होना चाहिए या नहीं और ऋषभ का दिल टूटेगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।